This is the Chaulnar base camp of 17B Battalion of Chhattisgarh Armed Force. This is located on this roadway, small road between Palnar and Kirandul. There is no police presence here until these people came around 2 months ago to set up this temporary camp. They are constructing barracks, but still they are living in these tents. Naxalites obviously don't want them to live here. There have been minor attacks, and yesterday they blasted their mine anti-mining vehicle around 3 or 4 kilometers from here. This entire area is surrounded by very thick forest and imposing hills, we can see, and this is almost located in this wilderness. Nothing is around. These are trenches where they take morcha during nights. आप कब से यहाँ posted हैं? किस कितना महीना? 2 महीने हुए हैं अभी. लगभग 17-18 फरवरी को आए थे हम. अच्छा. इससे पहले कहाँ थे आप? इससे पहले रायपुर पुलिस लाइन. तो कैसा जीवन है यहाँ? वहाँ से अलग है, रायपुर सिटी से. रायपुर सिटी से अलग है यहाँ पर. यहाँ पर आ कहते हैं अभी थोड़ी थोड़ी सुविधा मिली है. अच्छा. थोड़ी और सुविधा मिल जाएगी तो अच्छा लगने लगेगा. क्या क्या है इस समय, खतरा क्या है यहाँ? खतरा यही है कैंप के अंदर अभी सुरक्षित नहीं है बढ़िया तरह से. क्यों? क्योंकि अभी बिल्डिंग एल्डिंग बनी नहीं है, बैरी वगैरह. तो कंपनी में नफरी भी कम है जी, जनसंख्या भी कम है, वेपन वेपन भी कमजोर हैं. इस वजह से हमको थोड़ा. इलाका कैसा है ये? इलाका तो चारों तरफ जंगल ही जंगल है. इलाका पहाड़ियाँ हैं, ऐसा इलाका कभी देखा ही नहीं है हमने. तो जब आप पुलिस में आए थे तब सोचा था कभी ऐसी जगह में आने को नहीं, होगा? कभी नहीं सोचा था. नक्सली क्या होता है? नक्सली के बारे में जानकारी नहीं है. अभी नक्सली के बारे में जानकारी नहीं है. अच्छा. फिर भी जिनसे आप लड़ रहे हैं कौन लोग हैं ये? पता नहीं इनके बारे में. कुछ तो आइडिया? नहीं, कोई जानकारी नहीं. तो यहाँ सबसे बड़ा खतरा क्या है आपके हिसाब से? नक्सलवाद. आईडी सबसे ज्यादा. कल ये घटना घटी क्यों हुई है? जो भी घटना ये वाली, किस वजह से हो गई? वो देख रहे थे कि बार बार मूवमेंट हो रहा है इनका, इसीलिए उन्होंने घटना को अंजाम दे दिया. बिजली भी नहीं है यहाँ? नहीं, बिजली भी नहीं है. लाट की बहुत सुविधा कम है, वो तो पहले ही मैं बता चुका हूँ. कुछ कुछ हमको सुविधा मिल चुकी है, कुछ कुछ सुविधा नहीं मिली है अभी. सोते कहाँ हैं आप? अपने टेंट में. कितने लोग हैं एक टेंट में? एक टेंट में कम से कम 6-7 लड़के. 6-7 लोग रहते हैं.